के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई सारे मामले दर्ज थे। अक्रिय महिला कौन है और किस तरीके से चोरी की वारदात को ज्वेलरी शॉप में अंजाम देती थी? ये महिला का नाम सुनीता दयालदास बबलानी है, जो अप्रोक्सीमेटली मुंबई में उसके पास 80-85 केस दर्ज है पूरे। ये पुरानी है, उसका मोडस ज्वेलरी दुकान में जाना और मेरे बहन को कुछ गहने चाहिए या बच्ची को चाहिए या फिर मेरी माँ को चाहिए, ऐसा बहाना करके वो गहने वो ज्वेलरी वाले के जो आदमी है उसको साथ में लेके जाना और फिर उसको जो बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं है ऐसा बिल्डिंग में लेके जाना और फिर वहाँ पे उसको ठगना, ये इसका मोड़ से। जैसे अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाया करती थी तो क्या अलग अलग तरीके से अपना कहानी बनाती थी? हाँ, लोगों को फंसाती थी। अलग अलग जगह में अलग अलग कहानी, कहीं पे बच्चों के लिए है, कहीं पे माँ के लिए है। अभी जो रिसेंट खार में सीआर रजिस्टर हुआ उसमें बहन के लिए मुझे गहना चाहिए ऐसा बोल के उसने उसको फंसाया था। सर, ये हिस्ट्री शिकार है, कई बार जेल जा चुकी है, उसके बावजूद इस तरीके की वारदात को अंजाम देती है, कितनी शातिर है ये अब तक इन्वेस्टिगेशन में आपको? शातिर तो बहुत है, जब से छूट के बाहर आती है तभी इसका कोई मतलब, बाकी उसका अकम्पलिस नहीं है कोई इसके साथ, ये अकेले ही काम करते हैं। इसका मतलब छूटने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ पे घूमेगा और फिर वो तय करते हैं कि यहाँ पे जाना है। क्या ये मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके में जो ज्वेलरी शॉप है उन्हीं को टारगेट करती है? मोस्टली बिकॉज सी बीइंग अ सिंधी, उसको जो लैंग्वेज है सिंधी लोगों का वो आता है तो उसके ऊपर भरोसा होता है लोगों को। खार में तो एटलीस्ट ये होता कि वो भरोसा कर गए उसके ऊपर और उसके उन्होंने गहने दे दिए। सर, आखिरी सवाल, इसके पास से कितना माल रिकवरी हो गया है और अभी ये कहाँ है? अच्छा, इसके बाद से 100% रिकवरी हो गई है, अभी फिलहाल ये जुडिशियल कस्टडी में है। थैंक यू।